हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र। मैं हूं नीरजा। क्या आप जानते हैं कि आपके पूरे शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, और किसी भी प्रकार की असावधानी, डिसकंफर्ट या फिर इरिटेशन, गर्ड, IBS, IBD और सिलियाक डिजीज जैसे भयंकर रोग का रूप ले सकती है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे बच सकते हैं हम पेट से संबंधित रोगों से। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं हमारे सबके आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आज हम केवल और केवल बात करेंगे पेट से संबंधित रोगों के बारे में। जी बिल्कुल। जो कि है बहुत ही कॉमन, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई या पेट में दर्द हो गया, कब्ज हो गई, कब्ज हो गया। जी हाँ, सुनने में बहुत ही छोटे से रोग लगते हैं ये, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि पेट का रोग अगर ठीक ना हो तो बहुत सारे रोगों का ये कारण बन सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों आजकल की दुनिया में हमें पेट के रोग बहुत कॉमन सुनने को मिलते हैं? देखिए, पेट के रोग कॉमन इसलिए हैं कि लोगों को पेट के रोगों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है कि जब कुछ पेट में लक्षण होते हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी आपने जिक्र किया, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं नॉर्मल है ये। कई लोग तो मेरे पास आते हैं कि जी मुझे गैस, पेट में गैस ही नहीं बनती है। मतलब वो इसलिए आते हैं, वो सोचते हैं गैस नहीं बन रही है तो वो कोई बीमारी हो गई उनको। जी। मतलब लोगों को इतना ज्यादा जो है अज्ञानता है अपने शरीर के बारे में, वो ये समझते हैं कि गैस बनना या डकार आना या इस तरह की जो एसिडिटी होना, ये नॉर्मल चीज़ है, ये होनी चाहिए सबको, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि लोग इसको समझते नहीं है कि ये कोई रोग भी है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छा कहा आपने, हर रोग जो है वो पेट से शुरू होता है, आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि अगर खाया पिया पेट पचेगा नहीं पेट में, तो ना केवल गैस बनेगी, अफारा होगा, एसिडिटी होगी, साथ में आम भी बनेगा। मैं आप सभी दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी रोग हमारे होते हैं, चाहे वो गैस से रिलेटेड हैं, पेट से रिलेटेड हैं, उसके जो भी जो हमारे होते हैं, जो के लक्षण होते हैं, उसके शुरुआती लक्षण, शुरुआती लक्षणों को जरूर समझना चाहिए। आयुर्वेद में हमारे यहाँ डिजीज मैनिफेस्टेशन के 6 स्टेज बताए हैं, 6 स्टेजेज ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले संचय, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ दोषास। मान लो आपको जो है पित्त बन रहा है, तो पित्त पहले संचय होगा, उसके बाद उसका प्रकोप होगा, फिर वो प्रकोपित होगा। कुछ लक्षण संचय के स्टेज में आपको दिखाई देंगे, कुछ प्रकोप के स्टेज में भी आपको लक्षण दिखाई देंगे। इस पर भी अगर ध्यान नहीं देते हम, तो फिर प्रसर होता है उसका, फिर वो पित्त जो है दूसरे स्थानों में शरीर में फैलने लगता है और कहीं कमजोर जगह पर जाकर के वो बैठ जाता है। वहां जाकर के जब वो बैठेगा तो क्या होगा, वहां जाकर के रोग पैदा करेगा। स्थान संचय के बाद 5वीं स्टेज जो उसकी आती है, भेद जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, व्यक्ति, व्यक्त स्टेज उसको बोलते हैं, जब लक्षण उसके व्यक्त हो जाते हैं। तो 5वें स्टेज में जाकर के लोग अक्सर जो है ये ध्यान देते हैं कि मुझे बीमारी हुई है, और उस स्टेज में भी कई लोग ध्यान नहीं देते तो फिर वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है रोग। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रोग पेट में जब भी कोई लक्षण शुरू हो आपको, उसको तुरंत वहीं का वहीं दबाने की कोशिश। कहने का मतलब ये है कि हर रोग आने से पहले कोई ना कोई संकेत देता है, और देता उस संकेत को हमें हमेशा रूप उसको हम कहते हैं प्री सिम्टम्स। जी डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर शो के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। मुझे कमर में नीचे काफी दर्द होती है और जांघों में। अच्छा। और ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग का खिंचाव हो रहा है। अच्छा जी, तो कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? 1.5-2 साल से है। अच्छा, कुछ आपने चेकअप वगैरह कराया? नहीं, अलग से चेकअप तो नहीं कराया, हम होम्योपैथी की दवा लेते रहे। कोई एक्सरे वगैरह भी नहीं कराया कमर का? जी नहीं, एक्सरे वगैरह भी नहीं कराया है। अच्छा, देखिए इसमें बहुत ज़रूरी होता है, आजकल एक्सरे, एमआरआई, कई प्रकार के परीक्षण हैं जिससे कम से कम ये पता चलता है कि वास्तव में दिक्कत क्या है। अच्छा, परीक्षण कराना चाहिए हमेशा, चेकअप जरूर कराना चाहिए। और कई बारी जो है अगर इनिशियल स्टेज में है रोग तो हम भी मना कर देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुराना रोग है तो पता करने के लिए, क्योंकि कई बारी हम दवाई लेते रहते हैं कुछ समझ करके कि भाई ये बाय का रोग है या कुछ अकड़ाहट हो गई है, और बाद में पता चलता है कि कोई और भयंकर रोग वहां हो रहा है। अच्छा,
कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि कमर दर्द को लेकर के वो परेशान है कि कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, इलाज भी कराते रहे, गोली खाते रहे, कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। जब उनका चेकअप हुआ थोड़ा सा, तो पता चला कि अंदर कोई गांठ बनी हुई है और वो गांठ जो है रीढ़ की हड्डी पर जो है प्रेशर डाल रही है। तो देखिए, आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पर परीक्षण निरीक्षण बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा एक परीक्षण जरूर कराएं। तब तक के लिए थोड़ा सा जो है एक तेल बना लीजिए, घर पे ही बना लीजिए। तीन चीज़ें आपको लेनी है, लहसुन, ताज़ा अदरक और अजवाइन, एक एक चम्मच तीनों लेकर के लगभग 200 मिलीलीटर तिल के तेल में उसको पका लीजिए, धीमी आंच पर पका लीजिए। जब वो पूरा पक जाएगा तो उसको छान करके एक शीशी में आप रखिए और इस तेल से रोज़ मालिश करिए, लोअर बैक में भी करिए, थाइज में भी करिए जहाँ आपको जो थोड़ा दर्द जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बादी वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिन लोगों का पेट खराब होता है, आज हम इंडाइजेशन और पेट के रोगों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों का पेट खराब होता है, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है, अफारा होता है, उनके कमर में दर्द हो जाता है। पेट में तो होता ही होता है दर्द, लेकिन कमर में दर्द का कारण भी कई बार हमारा खराब पेट होता है। तो पेट साफ रहना चाहिए, गैस नहीं बननी चाहिए, और साथ में भोजन जो भी आप खाते हैं उसमें थोड़ा हींग, लहसुन और अदरक इसका प्रयोग करिए, हींग लहसुन अदरक का प्रयोग करिए ताकि वात जो है वो ना बने। और जैसा मैंने कहा कि जब आप निरीक्षण कराएंगे, परीक्षण कराएंगे, जो भी रिजल्ट आए उसको हमारे डॉक्टर से जरूर बताइए ताकि हम आपको प्रॉपर उपचार उसका, दवाई उसकी बता सकें। ठीक है जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आप इन्वेस्टिगेशन कराइए और इसके बाद जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर से बातचीत कीजिए, वो आपको और डिटेल में समझाएंगे कि परीक्षण के बाद क्या उसका डायग्नोसिस निकला है और आगे कैसे उसे हमें उपचार करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे डॉक्टर प्रताप चौहान से बात कर रहे हैं, वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि पेट से संबंधित रोग। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल इस विषय को लेकर या किसी भी विषय को लेकर, तो आप निसंकोच हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0129404044। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।